आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम सागर पवार जी की एक प्रॉब्लम को ले रहे हैं। तो हम एक डेटा को लेते हैं, प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम हमारे पास आई है, एक्सेल में इसका सॉल्यूशन है बट पावर बी आई में कैसे सॉल्यूशन होगा इसको एक बार हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कि पावर बी आई में सॉल्यूशन इसका नहीं हुआ तो हम एक्सेल में सॉल्व करके, और डेटा हम एक्सेल से ही ले रहे हैं तो हम एक्सेल में सॉल्व कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम पावर बी आई में, हमारी प्रायोरिटी है कि पहले पावर बी आई में सॉल्व करें। ठीक है सर, डेटा के मैंने कनेक्ट कर लिया, डेटा ये रहा। तो डेटा हमारे पास नेम है, सेल्स है एंड मंथ है, राइट। बट यहां पे मंथ और सेल्स को अलग अलग कर दिया गया, ये गलत किया इसने। इसको एक मिनट, YYMM, हाँ ए है गया हमारा, इस फॉर्मेट में चाहिए पहले, और इसको हम कैटेगरी में डेट के जगह पे टेक्स्ट कर देते हैं। टेक्स्ट में तो डेट में कन्वर्ट हो गया, डेट में कन्वर्ट हो गया, तो क्या करें इसके लिए सर? एक खुद बखुद इसने ये कर दिया है, इसने कॉलम 4 मंथ को लेके, तो हमें कुछ नहीं, यहाँ पे मान लीजिए कि हम डेट डाल देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, तो हमें एक न्यू कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला लेंगे, यहाँ पे देंगे मंथ वाई लेते हैं, यहाँ पे हम वही फॉर्मेट्स का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मेट इसमें डेट देते हैं और डेट इसमें हम यहाँ पे एम 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 एन वाई वाई कर देते हैं, ठीक है, एंटर प्रेस कर देते हैं। वो डेट है ही नहीं ना, टेक्स्ट है वो, टेक्स्ट फॉर्मेट में, हाँ इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेट में। यस, अब आ गया ना सर जी। हमें क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे सेल्स चाहिए, न्यू कॉलम में हमें यहाँ पे सेल चाहिए, सेल्स में सबसे पहले हम कंडीशन देंगे इफ, इफ में देंगे हम ईयर, तो 2 ही साल का डेटा है ना सर आपके इसमें जी, ईयर ईयर हम डेट से लेंगे और बोलेंगे कि अगर ए इक्वल टू 2020 है, एक सेकेंड फोन आ रहा है, हेलो जी, हाँ बोलिए अरुण जी, मुझे आप 2 घंटे बाद कॉल करेंगे, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ सर ऑनलाइन। थैंक। यहाँ पे ईयर डेट हम यहाँ पे 2020 दिया, सबसे पहले कंडीशन हमारे पास ये है कि ए होना चाहिए, मतलब कि 2020 होना चाहिए, और दूसरी इसी में हम एंड भी लगा सकते हैं एंड, और दूसरी कंडीशन है कि सेल्स हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है सर, सेल्स इक्वल टू 0, ऐसा हुआ तो अब यहां पे हमें जैसे वी लुकअप टाइप का डेटा होता है, जैसे वी लुकअप हम लोग लगाते हैं, उस तरह का डेटा यहां पे चाहिए कि यहां पे लुकअप कर दे कि इसका माने मार्च 19 में क्या है डेटा, या सम इफ टाइप का डेटा हमारे पास, सम यहां पे एक चैलेंज आता है,
आइडिया आप लोगों के क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे सर? अगर एक्शन होता तो हम भी लुकअप लगा लेते या सम इफ्स लगा लेते। हाँ एक यहाँ पे रिलेटेड का फॉर्मूला होता है, रिलेटेड का फॉर्मूला तो है लेकिन तो अनदर टूपल से बनता है। लुकअप वैल्यू, हाँ आ गया लुकअप वैल्यू, किसमें डेटा लुकअप करना है तो रिजल्ट कॉलम नेम। तो डेटा में हमें लेना है कौन सा, सेल्स ना, सेल्स, और उसके बाद आता है सर्च कॉलम नेम, किसमें मैच किसमें करना है हमारा, तो ये मंथ वाई में। और सर्च वैल्यू क्या है, तो सर्च वैल्यू होना चाहिए फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हमने इस रात कौन कटवा नेट लगेगा,
वो सॉरी सर, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी रीजॉइन ज्वाइन कर रहा है। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था तो सर रीजॉइन हो रहा है सिस्टम। सर नेटवर्क रीकनेक्ट हो गया था, दोबारा ज्वाइन कर रहा है। हेलो, ओ सॉरी सर, मॉडेम री स्टार्ट हो गया था। सर ये मोबाइल पे कॉल आ गई थी ना, मैं बताया था मोबाइल से ज्वाइन किया आज मैंने, मेरा सिस्टम खराब है। लुकअप वैल्यू में रिजल्ट कॉलम जो है यहाँ पे देते हैं डेटा में, डेटा सेल्स, और इसमें बोलते हैं सर्च कॉलम, किस में सर्च करना है तो आईडी में, और सर्च वैल्यू वन, क्या सर्च क्या करना है तो सर्च करना है इसमें नेम, और इसके साथ कॉन्कैटेनेट लगा डैश मंथ मंथ, मंथ यहाँ पे मंथ, और उसमें हमने 19 ऐड कर दिया। इसको क्लोज करते हैं लुकअप वैल्यू को, फिर यहां पे बोलते हैं अगर ऐसा ना हुआ तो सेल्स को ही ले लो। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, लीजिए एक मिनट एक मिनट। रिजल्ट तो आया हुआ था, हाँ इसमें डैश नहीं लगाया ना। अगर जी समझ में आ गया सर, आ गया ना सर 31। हाँ मार्च पर कुछ समझ में नहीं आया, क्या फॉर्मूला लगाया, क्या क्या लगाया सर? अभी मैं बताता हूँ, एक मिनट दिखने दे। कॉन्कैटेनेट की बनाई है आपने यहाँ पर, कविता मार्च, तो यहाँ पे कविता मार्च 31 आ गया। देखिए हुआ क्या, इसमें एक लुकअप वैल्यू का फॉर्मूला होता है, जैसे वी लुकअप होता है ना सर, लुकअप का फॉर्मूला है, तो हमें सिर्फ मंथ और सेल्स को नहीं देखना है, हमें उसका नेम को होना चाहिए। हो सकता है एक एक महीने में दो नाम हो, तीन नाम, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना सर जी। हमने क्या किया, एक नेम यहाँ जनरेट किया, एक आईडी जनरेट किया जिसमें नेम और मंथ और ईयर को कंबाइन कर दिया, यूनिक आईडी बना लिया, यूनिक आईडी बना लिया, जैसे वी लुकअप में जनरली हम लोग बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन दिया कि इसका ईयर 2020 होना चाहिए, मतलब जो डेट हमारा है उसका ईयर 2020 होना चाहिए, समझे? क्योंकि 2019 का नहीं, 2020 में हमें जीरो करना है, ऐसे आपने इन्होंने बोला, ठीक है सागर जी? अरे अरे सर, कि सेल्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तभी करना है, अदरवाइज जो नंबर अगर है तो वही रहने देना है, क्लियर है? अगर दोनों कंडीशन मैच करती है तो आप लुकअप करें। किस लुकअप में सबसे पहला यहाँ पे हुआ कि मुझे क्या रिजल्ट क्या चाहिए, तो मुझे सेल्स सेल्स का चाहिए। ओके, हमें मैच किस में करना है, तो हमें आईडी में करना है। क्या मैच करना है, हमने बोला कि हमें बेच नेम को मैच करना है, मंथ का मैच करना है, लेकिन इसका ईयर 19 रखना है, तो 20 वाले में तो होगा नहीं, 19 वाले को मैच कर लेगा वो, या 19 मैच करके डेटा दे देगा ना। जैसे कि यहाँ पे मार्च 2020 है, बट वो सर्च में कविता और मार्च तो लेगा, बट ईयर 20 के जगह 19, 20 के जगह पे 19 ले लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ईयर को कंसीडर किया ही नहीं है, समझे? उनका वैल्यू समझ में आ गया? जी हाँ सर, यही था सॉल्यूशन। लुक का वैल्यू समझ में आ गया सबको? जी।
और फिर यहाँ पे डेटा सेवर से बोला कि अगर नहीं, मतलब कि अगर नहीं है तो यहाँ पे जीरो देखो, कि हम जो अगला चार्ट बनाएंगे वो इस मंथ के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना सर। तो अब मैं रिपोर्ट जब बनाऊंगा तो रिपोर्ट में मैं लिखूंगा मंथ को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेल्स एम दिख रहा होगा, सेल्स एम को सेलेक्ट करूंगा और इस पे हम चार्ट बना देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा चार्ट हो गया। इसमें देखिए आपका मार्च 19 जो है, मार्च 19 और आपका मार्च 20 अलग नाम भी है ना सर। एक मिनट मैं इसको इस नाम से ले लेता हूँ, नाम से ही उठाता है ना सर। और यहाँ देखिए कि यहाँ कविता नहीं, अच्छा नीचे इस तरह से। तो मार्च 20 में देखिए 31 आ गया और मार्च 19 में भी 31 है, तो दोनों यहाँ रिपीट हो गया ना सर। बस यही इनकी सागर जी की प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है सर, थैंक यू। वो समझ में आ गया सर। फॉर्मूला मुझे कैसे मिलेगा, भेज सकते हैं क्या आप ये BI फाइल? मैं फॉर्मूला कॉपी करके आपको मेल कर देता हूँ, अभी भेजा है उसी में रिप्लाई कर देता हूँ। लीजिए मिल गया, आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम थी जिसकी हमने सॉल्यूशन आज की क्लास में की। तो आपने यहाँ पे एक नया फॉर्मूला सीखे, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू। जैसे एक्सेल में वी लुकअप होता है ऐसे यहाँ पे लुकअप वैल्यू होता है, राइट सर? ओके, तो मिलते हैं कल। ओके सर, थैंक यू।